बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन में। जी मेरे साथ हैं अवैस, बात करेंगे पीएसएल सॉन्ग के हवाले से। जी जिसका सबको इंतजार था, आखिर पीएसएल सॉन्ग आ ही गया। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि इस दफा आतिफ असलम और आयमा बेग को डाला गया था। पिछले साल की कॉन्ट्रोवर्सीज को देखते हुए इस दफा पीसीबी ने बहुत ही मोहताब तरीके से कदम उठाया है तो, और आतिफ असलम और आयमा बेग को ऐड किया है, तो उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, आपने अगर एंथम की बात की है तो आपके और मेरे दोनों के चेहरों पे एक स्माइल आ चुकी है। उसकी रीजन ये है कि हम एक क्रिकेट के लवर्स हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं। तो ये जो एक पीसीबी ने एक नया इंस्टांस किया है कि एक जो इसका लेवल बढ़ाने के लिए पीएसएल का, उसमें आतिफ असलम को ऐड किया, आयमा बेग को ऐड किया है, और दूसरा इसका जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था और मैंने सुना भी है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। बाकी आप देखें इसको, आपको नहीं, दोनों तरह के कमेंट्स देखने को मिले जी। लेकिन मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ कमेंट्स नेगेटिव भी थे, जो चाहते थे कि दोबारा से प्रीवियस जो थे वो गाए। भाई जो है ना, अली जफर, बिल्कुल नो डाउट, बहुत अच्छा गाते हैं वो। उन्होंने पीएसएल 1 का सॉन्ग गाया था, तो वो लोग चाहते हैं कि अली जफर दोबारा गाए, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे पीसीबी के उनको भी दोबारा कभी मौका दिया जाए। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स ये भी थे कि आगे देख गाने को, आगे नहीं देखा गया, थोड़ा सा देखने के बाद आगे नहीं देखा गया, यानी कुछ को पसंद नहीं आया। लेकिन मोस्टली बहुत ही पॉजिटिव, वो कहते हैं कि मास्टरपीस है, वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल सॉन्ग है। और हमारे हमसाए मुल्क से भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं, वो कहते हैं कि कमाल कर दिया। अच्छा, पीएसएल का जो एंथम रिलीज हुआ है जिसे आतिफ असलम और आयमा बेग ने गाया है, मैंने इसकी जितने भी मतलब ऑब्जर्वेशन देखे हैं, जितने भी कमेंट्स देखे हैं, लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा है। लेकिन कुछ फैन हैं जो अली जफर के हैं, वो कहते हैं कि पीएसएल का एंथम अली जफर के बाद बस है, भाई के बाद बस है। कुछ ऐसे फैंस होते हैं डॉक्टर साहब जो ना डाई हार्ट फैंस होते हैं, वो ऐसे लॉयल होते हैं ना, उनको कोई और मतलब थर्ड पर्सन नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं कि भाई ने जो कर दिया वो बस ओके हो गया। अच्छा, आप ये देखिए कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, शायद उनका टेस्ट बुरा हो, लेकिन मुझे पर्सनली पहला पोर्शन जो था वो बहुत अच्छा लगा, आतिफ असलम वाला। आयमा बेग आई, उसने थोड़ा सा उसको डिम किया, शायद बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा, लेकिन मुझे पर्सनली जो पोर्शन था पीएसएल के हवाले से जो आतिफ असलम का था, उसने बहुत उठाया और एनर्जेटिक, और हाँ उस वक्त जो उसने जो म्यूजिक था उस वक्त उस दौरान वो उठाने के लिए। और बाकी आपको पता है कि लास्ट ईयर ग्रूव भी आया ना था, तो वो भी लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने बहुत ज्यादा, तो लेकिन एक वक्त आया था कि लोगों के जुबान पे चढ़ गया था ग्रूव मेरा। ये तो पहले ही दिन से इतना अच्छा था और बहुत अच्छे रिएक्शंस इसके सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हिट होगा। मुझे ये लगता है कि ये पीएसएल 7 का बहुत ही सुपर डुपर हिट, एक मतलब मास्टरपीस उन्होंने निकाला है। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स में ये कहा गया है कि आतिफ असलम ने कमाल कर दिया है। और आतिफ असलम की आपको कमाल की बात बताऊं, ये अंडर 19 में फास्ट बॉलर के तौर पर सिलेक्ट होने के लिए भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको क्रिकेट से मोहब्बत था, लेकिन उस तरह ये क्रिकेट में नहीं आया, तो इस तरह आ गया कि आज ये पीएसएल के सॉन्ग, इवन के वर्ल्ड कप का भी सॉन्ग इसी ने ही मतलब गाया था आतिफ असलम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज है। तो ये अगर मार्क्स देने पाए तो आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना, उसमें से मेरे ख्याल से आप 10 में से आउट ऑफ 10 आप 8 दे सकते हैं, कि जो कि एक एवरेज से ज़्यादा आगे जाता है, कि जो कि मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रिस्पांस जो था बहुत अच्छा था। उसमें आपने एक थोड़ी सी और बड़ी अच्छी चीज़ ऐड कर दी कि आतिफ असलम खुद भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं एंथम के थ्रू। अच्छा, मैं अगर पर्सनली उसको 10 में से 9 दूंगा, एक नंबर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। आयमा बेग वाला पोर्शन थोड़ा सा डिम था, लेकिन आयमा बेग नो डाउट बहुत अच्छी सिंगर्स हैं, और आतिफ असलम ने बहुत अच्छा गाया, तो मैं 10 और 9 देना चाहूंगा। लेकिन ओवरऑल पीसीबी ने कमाल किया है,
रवीद राजा ने इस दफा फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और हम ऐड करेंगे, अब वो कहते हैं कि आप किसी भी चीज को जब सामने लेकर आना चाहते हैं तो उसकी जो मार्केटिंग होती है वो बड़ी अच्छी करनी चाहिए। पीएसएल की जो मार्केटिंग इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर से की गई है, आप उस एड के बारे में, मेरा आपसे सवाल है, आप उसको क्या देखते हैं? ये एड जैसे ही कल मैंने देखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एड मैंने देखी है। ये कमाल किस्म की, मतलब आपने ये पीसीबी का बहुत अच्छा इक्तदाम था कि प्राइम मिनिस्टर जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं इमरान खान साहब, उनसे इसकी पीएसएल की जो है ना इनॉग्रेशन करवाना, और जिस अंदाज में करवाई है, जिस अंदाज में रवीद राजा की एंट्री होती है, जिस तरह वो जाके सामने खड़े होते हैं हाथ बांध के और कहते हैं कि पीएम जी प्लीज प्लीज चलें, और उसके बाद फिर इमरान खान की वो दो चार लफ्ज के आखिरी बॉल तक आप लोगों ने कोशिश करनी है इस टाइटल को जीतने की, बहुत अच्छा, बहुत कमाल, लेवल बढ़ा दिया बिल्कुल। ठीक है नाजरीन, हम चाहते हैं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।